ये मैंने टाइप किया हो जीपी, तो इसका कुछ साइज आया हुआ है ऑटोमेटिक से, देखिए 3.72 इंच। तो जैसे कि हम लोग को इंच चाहिए तो इंच, सेंटीमीटर चाहिए तो सेंटीमीटर, तो ये जो इंच और सेंटीमीटर मिलीमीटर आपको कहाँ से मिलेगा ये देखिए, ये जो आपको ऊपर में स्केल जैसा नंबरिंग आया हुआ है यहाँ पे जाके आप इसको राइट क्लिक कीजिएगा। देखिए आपको अगर फिट में चाहिए तो फिट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर पॉइंट जो भी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे आपका सेंटीमीटर करता हूँ तो ये देखिए सीएम बोल के आया हुआ है, देखिए 9 पॉइंट कितना सीएम। लेकिन हम लोग को ज़्यादातर यूज़ होता है इंची में, तो इसलिए मुझे रेगुलर इंच में रखना है। तो ये हो गया, ये टूल्स इंच सेंटीमीटर लाने के लिए ये टूल्स यूज़ होता है। और एक दिखाता हूँ, जैसे कि ये अभी दोनों एक साथ लगा हुआ है टच में है, सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करना है ये देखिए, ये रहा आपका कीबोर्ड का स्पेस भी, जैसे आप स्पेस को दबा के भी में प्रेस करेंगे ये सेपरेट हो जाएगा, ये रहा। अब मैं इसको देखिए सिंगल सिंगल क्लिक करता हूँ, ये सब हो गया, जैसे कि लोगो वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। अब देखिए मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करके कुछ भी बना सकता हूँ। अब दोनों को मैं एक साथ लगाने के बाद देखिएगा, एक जो लाइन आया हुआ है इसका मतलब ये अभी तक ज्वाइंट नहीं हुआ, तो ये लाइन को ज्वाइंट करने के लिए देखिएगा कौन सा टूल यूज़ होता है, ये वाला टूल, इसका नाम हो गया वेल्ड। वेल्ड वेल्ड जैसे करता हूँ मैं, ज्वाइंट गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक किया हो, यहाँ पे गायब हो जाएगा, ये देखिए मतलब अब क्या है, देखिए ये जो मेरा लोगो है ये ज्वाइंट हो चुका है। फिर से देखिए मैं रिपीट करता हूँ, राइट क्लिक, एकदम नीचे आइए, सेपरेट वेल्ड, पहला जैसा आ जाएगा, सॉरी सेपरेट वेल्ड नहीं, अनकम्पाउंड, अनकम्पाउंड करने से देखिए क्या होता है। फिर कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड मारिए, अपना जगह पे आ जाएगा। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये स्टार है, मुझे इसको दो कलर में करना है, तो दो कलर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक मिडिल से इसको काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे ऊपर में वो टूल्स मेरा आया नहीं। तो टूल्स लाने के लिए आपको हमेशा क्लिक करना पड़ेगा कंट्रोल टी, टी फॉर तमिलनाडु, ये रहा टी, कंट्रोल टी क्लिक करने के बाद देखिए एक टूल्स आया हुआ है, तो यहाँ से मैं क्लिक करने से ऊपर में एक आएगा, तो शायद ये पैच, ये जो पैच क्रिएट लिखा हुआ है, पैच क्रिएट में क्लिक करने से शायद आया सकता है, नहीं कुछ नहीं आया, सिलेक्ट नहीं आया, पैच एडिट, यस, ये देखिए ऊपर में एक टूल्स गायब हो जाएगा। ये देखिए ये लाने के लिए पैच एडिट, पैच एडिट को अगर क्लिक करूँगा तो ऊपर में एक सिंबल आएगा, जैसे कोई भी लेटर को आपको सिलेक्ट करना है तो नीचे डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद आपको सबसे पहले ये यूज़ करना पड़ेगा, ये टूल, इसका नाम हो गया आपका क्लेवर। ये देखिए मैं माउस से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, क्लेवर को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद देखिए ये स्टार का पॉइंट से लेके मैं खींचने के बाद ये देखिए एकदम लास्ट तक लेके जाता हूँ। अब क्या है, फिर सिलेक्ट टूल, सिलेक्ट टूल करने से आप देखिए सिंगल क्लिक, ये देखिए अब इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ये देखिए ये सेपरेट हो गए। इस तरह से आपको मल्टी कलर करने में आसानी होगा। फिर अगर मान के चले ये नीचे का पार्ट भी आपको ज्वाइन सेपरेट करना है, तो फिर से ये वाला टूल, ये रहा टूल, क्लिक कर दिया, फिर ये नीचे से आके इतना तक मैं खींचाऊँ, फिर सिलेक्ट टूल, कुछ भी कीजिए सिलेक्ट टूल करना पड़ेगा सब क्लिक करने के लिए। ये रहा, थोड़ा डाउन कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर, ये रहा थ्री कलर में इसका हो गया। ये चीज़ को आपको अगर दोबारा करना है तो इस वीडियो को फिर से रिपीट कीजिएगा।